आगामी सोमवार से प्रवर्तन निदेशालय का क्षेत्रीय मुख्यालय यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी का मुख्यालय पूर्व मंत्री एनोस एक्का के उस जब बंगले में चालू हो जाएगा। ऑफिस कुछ दिन पहले ही इस भवन में शिफ्ट हो चुका है, लेकिन शुरुआत अब होगी। बंगले पर ईडी का बोर्ड लग चुका है। यहां का जायजा लिया सहयोगी शहनवाज अख्तर ने। राज्य में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी अर्थात एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को नया कार्यालय अलॉट हो गया है और वो बेहद शानदार कार्यालय है। शायद ही कोई भी सरकारी कार्यालय रांची में इस तरह का शानदार होगा, चर्चित होगा। चर्चित मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये पूर्व मंत्री एनोस एक्का का बंगला यानी ठिकाना हुआ करता था, अब ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का रीजनल कार्यालय यानी रांची का क्षेत्रीय कार्यालय बन गया है। आज से 10 से 12 साल पहले इस बंगले का जब निर्माण हुआ था तो इसके अंदर लगी हुई जो सामग्री है, बाथरूम का एस्टेब्लिशमेंट हो या बेडरूम का एस्टेब्लिशमेंट हो या फिर अंदर लगे ग्लासवेयर, किचन कटलरी सेट, तमाम अप टू डेट हैं। आज की तारीख में भी बाजार में इन्हीं सामानों का चलन है। अंदर देखकर यही लगता है कि किसी फिल्म स्टार ने अपनी जिंदगी भर की कमाई लगाकर इतना शानदार बंगला बनाया है। लेकिन अपने आप में ये बंगला बनाने वाले के लिए मनहूस साबित हुआ। 10 साल बाद आज की तारीख में इस बंगले पर उसके मालिक का नहीं बल्कि भारत सरकार की मोहर लगी है, ये बोर्ड लगा है, जो ये संदेश दे रहा है कि अगर गलत रास्ते से कमाई की गई और इतनी की गई कि लोगों में इसका चर्चा हो जाए और जाहिर हो जाए कि आपने गलत कमाई की है और सरकार ने ईमानदारी से छानबीन की और मुकदमा सही दिशा में चला, तो उसका अंजाम यही होता है। कैमरामैन रिंकू के साथ में शहनवाज अख्तर, न्यूज 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।